नरवाना शहर में चोरों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस बार चोरों ने किसी कीमती चीज पर नहीं बल्कि सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के लिए भेजे गए मिड डे मील के राशन पर अपने हाथ साफ किए। जानकारी के अनुसार चोर नरवाना के राजकीय प्राइमरी स्कूल को निशाना बनाते हुए स्कूल के कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखा राशन, गेहूं, चावल, दूध, मूंगफली, घी, बेसन, चीनी, काला चना, नमक, जीरा सहित सिलेंडर और बर्तन आदि सारा सामान लेकर रफूचक पहुंच गए। स्कूल के हेडमास्टर राजेंद्र ने बताया कि चोर स्कूल में रखा मिड डे मील का सारा राशन व सामान लेकर फरार है। उन्होंने बताया कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ बल्कि इससे पहले भी दो बार इस तरह की वारदात हो चुकी है। सवेरे स्कूल लगने से 10 मिनट पहले मैं यहाँ पहुँचा तो इधर देखा कि ये लॉकर टूटा हुआ था और बच्चे भी बता रहे थे कि ये अपने दरवाजे खुले हुए हैं जी, तो वहाँ लॉकर खोल कर देखा तो भीतर कुछ सामान, चावल, गेहूं, सब ये उठे हुए मिले, सामान तितर बितर मिला, सिलेंडर नहीं थे, गैस सिलेंडर थे जो वो उठे हुए थे, बर्तन थे वो उठा कर ले गए जाए हुए थे, तो यहाँ पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर आई भी, देख के भी गई और ये कई बार पहले भी चोरी हो चुकी है लेकिन चोर अभी तक मिले नहीं। पुलिस ने स्कूल के हेडमास्टर की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।